पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मां गंगा सेवा समिति रजिस्टर्ड की बैठक में डॉक्टर राकेश जायसवाल एडवोकेट को प्रदेश अध्यक्ष और सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता को प्रदेश महामंत्री चुना गया है। ये घोषणा चुनाव अधिकारी पीयूष गुप्ता ने शुक्रवार को मानसरोवर कन्या इंटर कॉलेज में संस्था के पदाधिकारियों के चुनाव में की है। इस अवसर पर संस्था के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश जायसवाल ने कहा कि संस्था के उद्देश्य को लेकर संस्था के हित में कार्य करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। प्रकृति के अंदर अपने आप को रिचार्ज करने की स्वयं क्षमता होती है। आप गंगा में कूड़ा करकट मत डालिए, गंगा स्वयं अपने आप को स्वच्छ कर लेगी। इसी तरीके से प्रकृति में आप पेड़ पौधों को मत काटिए, पेड़ पौधे प्रकृति स्वयं उगा लेगी। आप जो नुकसान कर रहे हैं बस उसको रोक लीजिएगा। माँ गंगा सेवा समिति का उद्देश्य गंगा की सफाई, जो उसमें स्वच्छ जल है जिसे हम पतित पावनी गंगा कहते हैं और जो मरने के बाद इंसान को मोक्ष प्रदान करती है, ऐसी गंगा को साफ सुथरा रखना हमारा पहला कर्तव्य है। अगर हम गंगा की सफाई पर ध्यान देंगे तो उसका जो शुद्ध जल होता है, गंगा के जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते और ना ही कभी वो खराब होता है। मरने पर भी जो अस्थियां होती हैं वो गंगा में ही विसर्जित की जाती हैं। हिंदू धर्म में ऐसी आस्था, ऐसा मानना है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसी गंगा मैया जो मोक्ष प्रदान करती है, उसको स्वच्छ और साफ सुथरा रखना हमारा परम कर्तव्य है। प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता ने कहा कि माँ गंगा की देखभाल और स्वच्छता को लेकर प्रतिबद्ध है, उसी उद्देश्य को लेकर कार्य करेगी जिससे गंगा की अविरल धारा बहती रहे। इस दौरान अनुभव गुप्ता, शिवांश गुप्ता, अंकुश गुप्ता, डॉक्टर विकास गुप्ता, राजीव वर्मा, अजय दिवाकर, नीतू सक्सेना के साथ और भी लोग उपस्थित रहे। महानगरवासियों से सबसे पहले तो ये कहूँ कि माँ गंगा सेवा समिति एक बहुत पुरानी संस्था है मुरादाबाद शहर के लिए, जो कि विगत कम से कम 15 और 20 वर्षों से वर्क कर रही है। अभी माँ गंगा सेवा समिति के जो कुछ पदाधिकारी थे, कुछ साथी संगति थे, इन विषम परिस्थितियों में उन्होंने साथ छोड़ दिया। वो अपनी जीवन लीला को समाप्त करके गोलोक प्रस्थान हो गए। अब समिति जिस प्रकार से अपनी उत्सुकता के साथ, जोश के साथ कार्य कर रही थी माँ गंगा सेवा गंगा की सफाई के लिए, और समय समय पर जाकर घाटों की सफाई करना, गंगा में पॉलिथीन का प्रयोग ना करना, कुछ ऐसे त्यौहार आ जाते थे जैसे नवरात्रे हैं, लोग अपने यहाँ की सामग्री, पॉलिथीन, कपड़े, ईश भगवान के चढ़ाए हुए कपड़े, तस्वीरें, ये सब गंगा जी में विसर्जित करते थे। उसके लिए माँ गंगा सेवा समिति ने बहुत काम किया है और अब कल गंगा सेवा समिति के कुछ नए पदाधिकारी का गठन हुआ है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश जायसवाल जी को बनाया गया है और महामंत्री का दायित्व स्वयं मेरे ऊपर रहा है। तो प्रयास यही है कि अपने शहर के आसपास, शहर में माँ गंगा की सेवा चलती रहे, साफ सफाई चलती रहे और माँ गंगा की पवित्र अविरल धारा इस धरती पर बहती रहे। यही मेरी देशवासियों से भी कामना है, यही अपने साथियों से भी कामना है और यही हम लोगों की गंगा सेवा समिति के सेवकों से भी यही कामना है। अच्छा, क्योंकि मुरादाबाद में है और मुरादाबाद में क्योंकि रामगंगा भी है, हाँ, तो उसको लेकर क्या कोई अपील करना? बरसात का मौसम है, ऐसे मौसम में गंगा का प्रवाह और गंगा का जल स्तर हमेशा बढ़ा रहता है। प्रयास यही है कि अब जैसे डॉक्टर साहब के पास एक नया दायित्व आया है, तो उनका यह है कि गंगा के किनारे बसे जितने भी लोग हैं उनसे निवेदन ये करना है कि एक तो अपने आप में सुरक्षित रहें, दूसरी चीज़ यह है कि आसपास गंगा के यदि कूड़ा पड़ता है उसकी तत्काल सूचना दें ताकि हम प्रशासन से बात कर उस पवित्र गंगा को गंदा होने से बचा सकें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।